मोदी सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करेगी, मगर गिरती अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते ये बजट सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में विपक्ष भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। वो रोजाना देश के आर्थिक हालात के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को ट्वीट के जरिए हकीकत से रूबरू करवाया है। मोदी सरकार के आगामी बजट में क्या खास होगा, किसके सपने पूरे होंगे, किसके लिए सरकार राहत लेकर आएगी और किसके लिए आफत, इन सब सवालों के जवाब 1 फरवरी को मिलेंगे, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिटारा खुलेगा। मगर देश के मौजूदा हालात में सरकार के लिए बजट में लोगों को राहत देना कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक सुस्ती ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है और यही कारण है कि विपक्ष के तेवर मोदी सरकार के लिए और तल्ख होते जा रहे हैं। अब बजट पेश होने से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की आर्थिक सुस्ती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बिल्कुल पता नहीं है कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए आगे क्या करना है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी और आर्थिक सलाहकारों की उनकी ड्रीम टीम ने सच में अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। पहले GDP 7.5% और मुद्रास्फीति 3.5% थी और अब GDP गिरकर 3.5% रह गई है और मुद्रास्फीति 7.5% हो गई है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बिल्कुल पता नहीं है कि आगे क्या करना है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल ने मंगलवार को जयपुर में युवा आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए भी आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी भी सरकार की घेराबंदी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। वो लगातार खराब होते आर्थिक हालात पर सरकार से जवाब मांग रही हैं, मगर मोदी सरकार की चुप्पी बयां कर रही है कि वो जवाब देने के मूड में कतई नहीं है। DB लाइव की रिपोर्ट।